सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। इश्क सुकून है, इश्क जुनून है, इश्क रब है, इश्क में ही सब है, लेकिन हर किसी का इश्क मुकम्मल कहा होता है। कुछ पन्ने कोरे रह जाते हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, और ऐसे ही कुछ अधूरी कहानियां लेकर आ रहा है टेली मसाला एक बार फिर हमारी अधूरी कहानी सीजन 2 में। प्यार करना तो होता है आसान, लेकिन निभाना है मुश्किल। प्यार अक्सर आपको शादी के बंधन में बांध तो लेता है, लेकिन ऐसी बहुत कम शादियां हैं जो अंत तक टिक पाती है। ऐसी ही एक हस्ती खेलती शादी जो कब एक सजा में बदल गई किसी को पता ना चला। आइए सुनाए आपको जूही और सचिन की अधूरी कहानी। एक टाइम था जब छोटे पर्दे पर सिर्फ सास बहू सीरियल्स ही चला करते थे, और ऐसे टाइम पर हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर एंट्री की प्यारी सी कुमकुम ने, और ये कुमकुम कोई और नहीं बल्कि जूही परमार थी। कुमकुम शो करने के बाद जूही की एक पहचान बन गई थी, और उसी के बाद उनकी पहली बार मुलाकात हुई सचिन से। जूही और सचिन पहली बार मिले एक शो के सेट पर एज को-स्टार्स। इनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसी फिल्मों में देखी जाती है। इनकी मुलाकात बिल्कुल वैसी थी जैसी दो को-स्टार्स की होती है जो सेट पर एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वैसे ये दोनों जिस शो की शूटिंग के लिए मिले थे वो कभी ऑन एयर ही नहीं गया। लगता है भगवान ने दोनों को सिर्फ मिलाने के लिए ये मौका ढूंढा था। जैसे ही दोनों की बातचीत शुरू हुई भगवान ने वो बहाना हटा दिया जिसकी वजह से दोनों की बातें शुरू हुई, यानी कि शो ही कभी ऑन एयर नहीं गया। लेकिन इस मुलाकात में एक चीज अच्छी हुई, और वो थी कि जूही और सचिन ने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। अक्सर नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद दो लोग आपस में काफी सारी बातें करते हैं, चैट करते हैं, और वहाँ से शुरू होता है उनका प्यार। लेकिन सचिन और जूही के केस में तो सब कुछ अलग ही चल रहा था। नंबर्स होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को इतने मैसेजेस नहीं कर रहे थे, लेकिन चंद मैसेजेस एक्सचेंज करते ही दोनों के दिलों ने एक इशारा जरूर कर दिया, जिसको सुनते हुए दोनों ने अपने गुमनाम रिश्ते को एक नाम देने का सोचा। लेकिन इस बार भी चीजें इनके मुताबिक नहीं हुई। रिलेशनशिप की शुरुआत तो हुई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनका रिश्ता खत्म भी हो गया। और दोनों ने एक दूसरे से एक साल तक बात नहीं की। दरअसल जूही और सचिन ने एक मूवी देखने का प्लान बनाया था साथ में, जिसमें सचिन लेट पहुंचे तो गुस्से में जूही ने सचिन की टिकट बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़ दी और अकेले अंदर चली गई। जब सचिन फाइनली थिएटर में एंटर हुए और जूही के बगल में बैठे तब दोनों में कुछ बातें नहीं हुई। फिल्म के बाद सचिन ने जूही को घर ड्रॉप किया, ना रास्ते में दोनों ने कुछ बात की और ना ही इस मुलाकात के बाद। मजेदार बात तो ये है कि जूही और सचिन को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके दिलों में प्यार धीरे धीरे जगह बना रहा है। लेकिन इस थिएटर वाली मुलाकात के ठीक एक साल बाद सचिन ने जूही को फिर से मिलने बुलाया। जूही ने एक बार भी मिलने से पहले नहीं सोचा और सीधा चल पड़ी सचिन से मिलने, जहां सचिन का प्रपोजल उनका इंतजार कर रहा था। बस फिर क्या था, जूही इस प्रपोजल को ना नहीं कर पाई, और ठीक वैलेंटाइंस डे के दिन यानी कि 14 फरवरी 2009 को दोनों की एंगेजमेंट हुई, और 15 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों की जिंदगियों में इनके प्यार की निशानी बनकर आई इनकी क्यूट लिटिल एंजल, इनकी प्यारी बेटी समायरा, जिसके आने के बाद सचिन और जूही का परिवार कंप्लीट हो गया। जूही अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि उसकी खुशी के लिए कुछ सालों तक जूही ने मैटरनिटी ब्रेक भी लिया और समायरा के साथ रहना प्रेफर किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद परफेक्ट नहीं था। तभी तो शादी के 8 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। यूं तो पहले भी कई बार सचिन और जूही के अलग होने की खबरें आई थी, लेकिन दोनों ने ही खबर को झुटला दिया था। पर जब जूही ने छोटे पर्दे पर वापसी करने का फैसला किया आफ्टर हर मैटरनिटी ब्रेक, और उनके शो लॉन्च पर सचिन मौजूद नहीं थे, तभी काफी सारे सवाल खड़े हुए और लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। तब जाकर एक बात सामने आई कि सचिन और जूही करीबन 1 साल से अलग अलग रह रहे थे, और उनकी बेटी समायरा जूही के साथ उनके घर। इन दोनों से जुड़े करीबी सोर्स का कहना था
While everything was fine during the initial years of marriage, trouble started brewing over a period of time. Differences crept into their relationship, which now seems irreconcilable. Sachin was conspicuous by his absence even at the launch of Juhi's mythological show Siddharth Kumar Tiwari's Karmfal Data Shani. They have been staying separately for almost a year. Samaira stays with Juhi, who will soon file for divorce. There is no chance of reconciliation. साल 2018 सचिन और जूही के जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो गया। जब सचिन और जूही के डिवोर्स की खबरें सामने आई, तब तरह तरह की बातें बनी। कभी जूही के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को इस रिश्ते का कातिल बनाया गया तो कभी सचिन के नॉट सो इंटरेस्टेड एटीट्यूड को। पर जूही ने सबसे पहले इस डिवोर्स के बारे में चुप्पी तोड़ने का फैसला लिया और इनकम्पैटिबिलिटी को इनके रिश्ते के टूटने की वजह बताई। Our marriage didn't work from the beginning. Incompatibility drew us apart. We could never be on the same page. Our backgrounds, mindsets, outlook and expectations from life were completely different. We tried our best, but our differences were irrevocable. I do not have a foul temper. I am just a transparent person who calls a spade, and I am proud of being an honest and fearless person in today's times. लेकिन जूही के इस रिएक्शन के बाद जब फाइनली सचिन ने डिवोर्स के कारण को बताते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी तो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके मुताबिक तो जूही कभी सचिन से प्यार ही नहीं करती थी। द डिवोर्स हैपेंड विद म्यूचुअल कंसेंट एमिकेबली एंड इन अ डिग्निफाइड मैनर। अनफॉर्चुनेटली एंड बाय जूहीज ओन पब्लिक एडमिशन शी वॉज नेवर इन लव विद मी। वन साइडेड रिलेशनशिप्स आर डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। इट्स सेड इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। But the fact is that it hurts to have been in a loveless marriage. Nothing I did could make Juhi love me. Sachin ke is interview ne Juhi ko hila kar rakh diya. Aur fir jo kuch bhi unhone kaha, usne shayad ye prove kar diya ki in dono ke rishte mein ab achhai ki koi gunjaish baki nahi reh gayi thi. Juhi ne ek open letter likha, jiske baad na kisi ne kuch kaha aur na hi pucha. Kyunki ab inke rishte ki ek ek chupi hui sachchai samne aa gayi thi. I am shattered as a woman. I can't get over the shock and don't know how to gather myself to speak up. And yet I must protect my dignity as a woman, which has been maligned. I must speak up to keep the respect of my child and tell her that she was born out of love and not lovelessly, as that would shatter the whole purpose of her being. Juhi ke dil ko kafi thes pahunchi Sachin ke in baaton se. Sirf Juhi ko hi nahi, unke pure parivar ko bhi. Juhi ka sirf yahi kehna tha कि वो भी इस रिश्ते के बारे में काफी कुछ खुलकर बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी को बरकरार रखते हुए सारी अनकही बातें अपने सीने में दबा ली। जो रिश्ता शुरू हुआ था एक झगड़े के साथ, वो खत्म भी हुआ एक झगड़े से। आखिर क्या हुआ इनके बीच, किसकी गलती थी, क्या नहीं होना चाहिए था, इन सभी सवालों का कोई मतलब नहीं रह गया अब। बाकी रह गया है तो सिर्फ जूही और सचिन का अपनी बेटी समायरा के प्रति एक पेरेंट्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो दोनों बाखूबी निभा रहे हैं।